है, देखने में काफी सुंदर है जगह। वो देखिए बगान का ट्रैक्टर भी आ रहा है। ओ ये देखिए धान लगा रहा है जो देखने में काफी। मॉर्निंग दोस्तों, मैं ना सुबह सुबह जा रहा हूँ एक महाराज को लेके, कहीं जाना पड़ेगा तो वहीं पर जा रहा हूँ मैं अभी। अभी तो 9 बज रहा है तो उनका 10-15 मिनट पहले फ़ोन आया, यानी कि कॉल किया उन्होंने। उन्होंने बोला भाई साहब आप ले जाओ मुझे, तो मैं वही जा रहा हूँ। तो अभी मैं रास्ते पे हूँ और वो ना करीब करीब 15 से 16 किलोमीटर दूर जाएगा। अभी ना मैं शॉर्टकट जा रहा हूँ क्योंकि जल्द से जल्द वहाँ पहुँच सकूँ, क्योंकि मैं लेट हो गया। लेट मतलब बहुत ही लेट हो गया, तो इसलिए अंदर का रास्ता से जा रहा हूँ ताकि ट्रैफिक ना रहे और जाम भी ना हो। और ऐसे भी आज मुहर्रम है तो मेन रोड में ना थोड़ा सा जाम अभी हो सकता है, लेकिन 3-4 बजे के बाद तो वो रास्ता बंद कर देगा, वहाँ से जा नहीं पाएगा हम लोग। तो अभी अंदर से जा रहा हूँ, उनको लेके सीधा जाएगा उनका लोकेशन पे। तो अभी जा रहा हूँ, चलिए। ये रहा भाई लोकेशन जिसको फॉलो करते हुए मैं अभी जा रहा हूँ। दोस्तों मैं ना अभी आ गया वो महाराज का आश्रम में। देखिए कितना बड़ा जगह है भाई, वो पीछे मेरा गाड़ी खड़ा है और चारों ओर ना चाय का बगान है। देखने में काफ़ी सुंदर है जगह। ये देखिए यहाँ ना बच्चा नहा रहा है, बड़े मज़े से नहा रहा है भाई। ये छोटा सा नदी है, नीचे से जाता है, जो देखने में काफ़ी सुंदर भी लग रहा है यार। ये है पूरा जगह। ये जगह जो है ना दोस्तों, थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ, देख लीजिए। बहुत बड़ा है जगह, चारों ओर चाय का बागान है, बीच में से ये आश्रम है, चारों ओर चाय का बागान से घिरा हुआ है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और नीचे ये रास्ता है, वो देखिए बागान का ट्रैक्टर भी आ रहा है, तो ये पत्ती वगैरह ले जाने के काम में आता होगा। तो ये ट्रैक्टर तो इधर से जा रहा है कहीं, और ये देखिए ये लोग भी शायद बगान से काम करके कहीं जा रहा होगा। तो बहुत टाइम लुक लिया दोस्तों, अभी यहाँ करता हूँ गाड़ी को स्टार्ट और ले जाता हूँ रास्ते के नीचे, क्योंकि सड़क जो है यहाँ से काफ़ी नीचे है और पीछे जो लोग दिख रहा है इन्हीं से मैं अभी तक बात कर रहा था। दोस्तों यहाँ जो मैं आया हूँ ना, चाय बगान का बीच में ये आश्रम है, बहुत सुंदर जगह है भाई। यहाँ आने के बाद ना मुझे यहाँ कुछ देर रुकने का मन किया, तो मैं सोचा था 10 मिनट के लिए रुक जाऊँगा, लेकिन 1 घंटा से ऊपर हो गया मैं यहाँ रुक गया, क्योंकि यहाँ का जो हवा है ना भाई, वो पैसों से ख़रीदा नहीं जा सकता। तो यहाँ का जो हवा है उस हवा का लुत्फ़ उठा रहा था मैं। ये देखो भाई आगे का नज़ारा, ये पूरा का पूरा बगान है चाय का, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। और मैं ना खड़ा हूँ बगान का बीचों बीच, मेरा इस तरफ बगान है, इस तरफ भी बगान है और आगे भी है, देख लीजिए। आ गया तो बगान भी अच्छा से दिखा देता हूँ भाई।
ये देखिए मेरा पीछे जो है ना चाय पत्ती का बगान है। ये देखिए ये पूरा बगान है, इसका बीच में से थोड़ा सा गैप है ताकि कोई आ जा सके। पत्ती तोड़ने का टाइम में ये आने जाने का काम में लगता है भाई। उधर से उस तरफ से मैं आया हूँ, ये रास्ता अभी भी कच्चा है, वहाँ से आया हूँ। ये ऊपर है आश्रम, कितना सुंदर नज़ारा है भाई, हवा भी बहुत अच्छा है और उधर तो कुछ ज़्यादा ही छाव है। देखिए बहुत रुक लिया भाई, अभी जाना है वापस। इसका जो डिस्टेंस है ना भाई, मेरा शहर से इसका डिस्टेंस करीब 23 किलोमीटर है, तो यहाँ आ गया मैं। रास्ता कच्चा है लेकिन गाड़ी जाने वाला रास्ता है, गाड़ी यहाँ से जा सकता है, कोई भी गाड़ी। ये देखो भाई बीच में से, अब इसको नदी भी कहे या नाला कहे कुछ भी कह ले भाई, मैं तो इसको नदी कहूँगा, नाला जैसा है। तो ये पानी बहते हुए ना बगान का बीचों बीच होके उधर से ऐसे निकल जाता है। उधर देखिए डाउन है, उधर यहाँ से तो दिखाई नहीं दे रहा, हाँ ये डाउन है, उधर बीच में से निकल गया भाई। आगे का रास्ता जो है ना थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ है, तो जो भी हो धीरे धीरे जाएगा। हवा काफ़ी शांत है भाई, बहुत ठंडा हवा है यहाँ। हवा खाने का जो एहसास है ना वो मैं आप लोगों को बोल के नहीं बता सकता, इतना ठंडा हवा है। ये कुदरत का देन है भाई, ये पैसों से ख़रीदा नहीं जा सकता है। बहुत ठंडा हवा महसूस हो रहा है। जो भी हो कुछ ज़्यादा ही टाइम रुक गया भाई, अभी आगे जाएगा धीरे धीरे। गाड़ी तो भाई यहाँ ला दिया, लेकिन यहाँ ना उठाने में गाड़ी को थोड़ा प्रॉब्लम होगा, चढ़ाई जो है कुछ ज़्यादा ही है। जो भी है उठ तो गया भाई, दोस्तों यहाँ है फैक्ट्री। ये जो बाउंड्री दिख रहा है इसका उस पार है फैक्ट्री, और मैं जा रहा हूँ बगान का बीच में से मेरा ई रिक्शा लेके, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर है। यहाँ अब वो बगान का घर है, किसी खुद का है किसी का वो मालूम नहीं भाई, घर तो है उस तरफ एक तो। यहाँ गाड़ी रख के ना बगान के अंदर गया था थोड़ा फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए, क्योंकि चारों ओर बगान ही बगान है और मैं यहाँ अकेला हूँ, क्योंकि इसका अंदर किसी का घर होगा तभी ना जाएगा। तो यहाँ से बड़ा गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं आता है भाई, इतना टाइम से यहाँ खड़ा हूँ। सिर्फ बगान का एक ठो ट्रैक्टर आया था जिसमें पीछे एक बड़ा सा डाला लगा हुआ था, यानी कि सामान लेने वाला। तो जो भी हो इस रोड में अकेला ही हूँ मैं अभी, पीछे मेरा गाड़ी खड़ा है, चारों ओर बगान ही बगान है जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ ना छाव भी है, और ये देखिए बीच में से ना आ रहा है भाई पानी बगान के लिए, जो चाय बगान है चाय पत्ती का बीच में से आ रहा है वो पानी।
तो चलिए भाई अभी चलते हैं, क्योंकि बहुत टाइम रुक लिया यहाँ, अभी जा रहा है आगे की ओर। ये बगान जो है काफी बड़ा है, अब एक भाई साहब को इतना टाइम के बाद दिखा, बाइक लेके जा रहा है, तो उनको देख के और उसका गाड़ी में जो सामान है वो सब को देख के लगता है ये भाई साहब भी बगान का ही होगा। मेरा कहने का मतलब है बगान का ही काम वगैरह करता होंगे, नौकरी करता होगा। तो इतना टाइम के बाद एक भाई साहब को जाते हुए देखा, और इतना देर से मैं अकेला जा रहा हूँ। मिल गया भाई बढ़िया रास्ता, अब ये रास्ता ना टूटा है ना फूटा है, कुछ भी नहीं है, बहुत सुंदर है। अभी जा रहा हूँ मैं फुल स्पीड से आगे, क्योंकि रोड भी खाली है। बारिश का टाइम है तो चारों ओर ना पानी जम गया भाई, कहीं भी देखो रोड का दोनों साइड से छोटा मोटा जो गड्ढा था वो सारे में सारे पानी जम गया। एक दो ठोना आप लोगों को दिखा देता हूँ, उनमें से ये एक है भाई, देखिए चारों ओर पानी जम गया। अभी मैं जा रहा हूँ इस रास्ते से आगे। अभी का जो रोड है ना काफ़ी सुंदर है, बढ़िया है, कहीं पर भी टूटा फूटा कुछ नहीं है। और इस रोड में गाड़ी जब चलाते हैं ना हम लोग, तो गाड़ी में कोई वाइब्रेशन नहीं है। थोड़ा छाव के लिए ना लोग कहीं भी बैठ जाते हैं, ताकि उनको थोड़ा सा ठंडा हवा मिले। ये देखिए भाई चारों ओर पानी ही पानी है, देखिए जम गया पानी। और धूप भी ना बहुत छोड़ा है दोस्तों, बहुत तेज गर्मी जो है, गर्मी भी महसूस हो रहा है। अभी ना 37 है टेम्परेचर मेरा गाड़ी का मीटर में, एक पॉइंट इधर उधर होता है, दो पॉइंट मार के चलिए तब भी आपका 35 जो गर्म है वो 35 डिग्री टेम्परेचर में है। तो जो भी हो मैं जा रहा हूँ यहाँ सीधा, पहले जाएगा अंबरी, उसके बाद जाएगा सिलीगुड़ी की ओर, और यहाँ से जो अंबरी का रोड है ना एकदम बढ़िया है। ये देखिए मेरा गाड़ी भी चल रहा है, इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है, यानी कि फुल स्पीड में चला, और रोड भी खाली है भाई। ये एरिया है खेतीबाड़ी का, तो अपना अपना ज़मीन में ना हर कोई अपना अपना हिसाब से फसल लगाया है। अब ये फसल उगेगा काटेगा, तो अभी तो लगाया है, जो फसल वर्षा का टाइम में होना चाहिए वही लगाया है इन लोगों ने। Thank you.
ये देखिए लिखा भी है, यहाँ से अंबरी और 3 किलोमीटर है, यहाँ से अंबरी 3 किलोमीटर है, देखिए यहाँ लिखा भी है, बंगाली में लिखा है भाई। तो मैं सीधा जा रहा हूँ अंबरी की ओर, उसके पास जाएगा गाड़ी में बांस लाद के ले जा रहा है, तो इसलिए ये बहुत दूर से बहुत तेज हॉर्न लगा रहा था। भाई ये है गांव का प्राकृतिक नज़ारा, लोग खेतों में काम कर रहा है, पानी जम गया खेतों में, ये सब मिला के बनता है भाई गांव। कहीं पे पानी जम गया, कहीं के बम्बूस का पेड़ है, ये देखिए ये बम्बूस का पेड़ है साइड से, तो लोग खेतों में काम कर रहा है, तो असली गांव का नज़ारा यही है। आगे है भाई रेलवे फाटक जो कि फिलहाल खोला है, तो जल्दी से मैं क्रॉस कर लेता हूँ। भाई वो फाटक जो है ना वो क्रॉस कर गया, अभी शांति है, क्योंकि फाटक में जब रुक जाएगा ना गाड़ी, गेट लगा देगा, फाटक गिरा देगा, तो बहुत टाइम लगता है भाई गाड़ी को क्रॉस होने में, क्योंकि गाड़ी आने से कितना टाइम पहले भाई फाटक गिरा देता है। मैं पहुंच गया भाई अंबरी, ये है अंबरी बाज़ार, दोपहर का टाइम है इसलिए बाज़ार पूरा खाली है, यही है बाज़ार भाई। अभी मैं जा रहा हूँ बाज़ार का बीच में से, और धूप भी बहुत है भाई, तो इस वजह से भी खाली हो सकता है। और इधर का बाज़ार जो है ना, खासकर शाम को ज़्यादा लोग निकलते हैं खरीदारी करने के लिए, तो यहाँ का जो भीड़ है ना आपको शाम को ही देखने को मिलेगा। और आज ऐसे भी गवर्नमेंट हॉलीडे है, तो ये कारण भी हो सकता है खाली होने का। तो जो भी हो, मैं तो यहाँ पहुँच गया, अभी यहाँ से धीरे धीरे जाएगा सिलीगुड़ी की ओर। तो यहाँ जिस चीज़ के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ वो दिखा देता हूँ, गांव का नज़ारा देखिए भाई, आगे से एक बड़ा गाड़ी गया, कितना धूल उड़ाते हुए गया, और यहाँ ना ये लोग खेती कर रहे हैं, देखिए धान लगा रहे हैं भाई, कितना सुंदर नज़ारा है। ये चार लेडीज मिलके यहाँ धान लगा रहा है, जो देखने में काफ़ी अच्छा और सुंदर लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई। और इधर से आ रहा है भाई ट्रेन, ट्रेन काफ़ी बड़ा था यार। दोस्तों अभी ना मैं अंबरी से सीधा जा रहा हूँ सिलीगुड़ी की ओर, और अभी हल्का छाव है क्योंकि बादल की वजह से ना सूरज अभी दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा छाव है। और जहाँ मैं रुका हूँ ना वहाँ दिखाता हूँ, 2 दिन पहले ना नदी जो है पानी से भरा हुआ था, अभी एकदम खाली है। ये है भाई, ये है नदी, कुछ दिन पहले ना ये पूरा पानी से भरा हुआ था, अभी देखिए कितना सूख गया।
हवा भी चल रहा है भाई बहुत तेज। यहाँ रुक गया दोस्तों, थोड़ा पानी वानी पिएगा उसके बाद जाएगा। पानी तो निकल रहा है, यहाँ से थोड़ा मुंह धो के रेस्ट करने के बाद तब जाएगा। यहाँ पानी का नल है ना भाई, मैंने पहले नहीं देखा था, आज पहली बार देखा हूँ। यहाँ से मैं बहुत बार जा चुका हूँ लेकिन ये जो नल है ना आज ही दिखाई दिया। थोड़ा फ्रेश हो लिया यहाँ से, अभी ना धीरे धीरे जाएगा अपना घर की ओर। और यहाँ ना रोड पे बड़ा बड़ा पत्थर है, इसलिए जो मोबाइल है वो बैलेंस नहीं हो रहा है। तो आगे जाके बात करते हैं दोस्तों आप लोगों से। इधर से ना मैं गया हूँ बहुत बार लेकिन वो जो पानी का नल है ना वो मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा। वो फैक्ट्री के बाहर एक नल लगा हुआ है, जो जो भी रास्ते से आते जाते हो वो पानी पी भी सकता है, हाथ मुंह धो सकता है और ठंडा है पानी भी। रास्तों का बीचों बीच ना ऐसा एक दो ठो मिल जाएगा तो खास करके मेरे जैसे जो भी गाड़ी वगैरह चलाता है ना, ई रिक्शा गाड़ी ये सब चलाता है, उनके लिए बहुत सुविधा होगा। क्योंकि हम लोगों को ना गाड़ी चलाते चलाते पानी पीने का मौका नहीं मिलता, और आपका मुँह धोएगा हाथ धोएगा थोड़ा फ्रेश हो लेगा ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि मिलेगा तब ना करेगा भाई। सुबह एक बार पानी आता है उस टाइम म्यूनसिपलिटी का पानी आता है तो उस टाइम भीड़ होता है, बहुत भीड़ होता है पानी लेने के लिए। फिर एक बार शाम को जब होता है तब भी बहुत भीड़ होता है, लेकिन रास्तों का बीचों बीच एक दो ठो अगर हो जाएगा ना ऐसा, जैसे ये तो फैक्ट्री का है, वो किस चीज़ का फैक्ट्री है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये फैक्ट्री वालों का ही है, वो बाहर एक नल लगा दिया। तो मेरे हिसाब से जो राह चलते सवारी है या जो भी रोड से चलने वाला लोग हो, रास्ते से इधर से उधर जा रहा है, तो उनके लिए बहुत राहत की बात होगी। थोड़ा दो चार मिनट पानी पीने के बाद थोड़ा दो चार मिनट बैठेगा फिर जाएगा,